ये लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर देखिए कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया था तो उस फॉल को आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी ने एकदम टॉप से कैप्चर किया था तो यहाँ पर क्या हुआ था वो भी देख लेते हैं सो हेलो गाइज वेलकम टू अनदर स्पेशल लर्निंग वीडियो आज के इस वीडियो में गाइज हम एक बहुत बेहतरीन सिंपल इजी टू यूज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो कि है इसमे हाईकेशी स्ट्रेटेजी हम इस ट्रैटेजी में हाइकेशी बार्स को ई एम ए के साथ कम्बाइन करेंगे एंड नॉट ओनली एम ए के साथ आई सेक्शन के साथ भी कम्बाइन कर देंगे एंड उससे हमको मिलेगा एक बहुत ही हाई विन रेट वाला बेहतरीन स्ट्रेटेजी तो क्या है ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज करना है कहाँ यूज करना है कहाँ यूज, यूज नहीं करना है कहाँ एंट्री होता है कहाँ एग्जिट होता है कहाँ स्टॉप लॉस कहाँ टारगेट सब कुछ वीडियो में आगे जानेंगे इसलिए वीडियो पूरा देखते रहिए एंड चलिए अभी डिफरेंस है जो की आपको एक मिनट के अंदर मैं समझा देता हूँ नॉर्मल कैंडल बहुत तरीके के होते हैं? जैसे की हैमर कैंडल हो जाता है बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न होता है शूटिंग स्टार होता है डोजी होता है तो नॉर्मल कैंडल स्टिक यही से हम समझ सकते हैं बहुत तरीके के होते हैं लेकिन हाइकेनाशी में देखेंगे इन तीन प्रकार के ही कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे एक तो ऐसे कैंडल स्टिक्स होते हैं जहाँ पे कोई लो नहीं रहता ये ऊपर एक वीक रहता है एंड नीचे कोई लो वीक नहीं रहता तो ऐसे कैंडल स्टिक को हम बोलते हैं इस बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे कैंडल स्टिक मतलब ही बुलिश कैंडल कहलाता है ये समझ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम स्ट्रैटेजी में बहुत यूज करेंगे सेम पेरिश कैंडल के लिए बिल्कुल उल्टा होगा इसका कैंडल के ऊपर कोई वीक नहीं रहेगा नीचे एक बड़ा वीक आपको देखने को मिल जाएगा ये हो गया हमारा पेरिश कैंडल स्टिक अभी कुछ कुछ कैंडल्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें आपको दोनों साइड में विक्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक डोजी कैंडल जैसा हमारा नॉर्मल कैंडल में होता है वैसे ही यहीं पर तो ये क्या दोहराता है ये कॉन्सोलिडेशन या फिर रिवर्सल इन दोनों में से एक इंडिकेट करता है ऐसा कैंडल पैटर्न जब हमको चार्ट में देखने को मिलता है अभी गाइज एक हाइकेशी चार्ट आपको कुछ ऐसा टाइप का देखने को मिलेगा ठीक है देख सकते हैं आप यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है नॉइस बहुत कम है नॉर्मल कैंडल पैटर्न में आपको ऐसा स्मूथ कैंडल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा जो की यहाँ पर हाइकेशी वो नॉइस रिमूव कर देता है तो इसकी मदद से हम ट्रेंड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसलिए है को बहुत यूज किया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेड एरिया जो है ये डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। रहा है है फिर फिर से से थोड़ा रिट्रेसमेंट ले एंड अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है मतलब अल्टीमेटली हमारा ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में हमको यहाँ पे कहा शॉर्ट एंट्री लेना अच्छा होता है ऑब्वियसली इस पॉइंट में क्यूँकी अगर इस पॉइंट पे हम शॉर्ट एंट्री लेते हैं तो हम इसका ट्रेंड को राइड कर सकते हैं ना एंड इस स्ट्रेटेजी में भी हम यही करेंगे लेकिन विद ये में

ट्वेंटी एंड ये थर्टी ठीक है तो सबसे पहला कंडीशन तो यही है की जब भी हम पुणिश एंट्री लेंगे तब पहले तो टेन ए में ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ए में थर्टीए के ऊपर होना, होना चाहिए तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन ठीक है का दूसरा कंडीशन हो जाएगा गाइस का कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से समझिए ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है तो यहाँ पर हम ट्रेंड का यूज करके एंट्री लेने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमें जनरली पता है कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तो ऐसे ऐसे मूव करते जाता है हमको क्या करना है यहाँ पर मार्केट को

और कंफर्मेशन के लिए आप और भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं लाइट टेन ई का स्लोप ऐसे अपवर्ड्स होना चाहिए एंड जिस कैंडल में एंट्री होगा उसके प्रीवियस कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए और अपसाइड एंट्री तो जैसा की आप इस एग्जाम्पल पे देख सकते हैं सब मैं क्लियर कर देता हूँ इस कैंडल में यहाँ पर एंट्री हुआ यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन मैच हो रहे हैं एक तो ई का कंडीशन मैच हो रहा है दूसरा यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी कम्पलीट हो रहा है तीसरा ये कम्प्लीट बुलिश कैंडल है जिसका कोई लो नहीं है एंड बाकी सब कंडीशन भी यहाँ पर मैच हो रहा है जैसे टेन ई को क्रॉस करके ये फॉर्म हुआ एंड तो उसके प्रीवियस कैंडल भी ग्रीन था एंड इस पॉइंट में रही है अभी स्टॉप लॉस क्या होगा टारगेट क्या होगा एग्जिट क्राइटेरिया क्या है ये तीन इंडिकेटर हम कैसे एड करें ट्रेडिंग में, का क्या एंट्री कंडीशन है चलिए यहाँ पे नहीं डायरेक्ट प्रैक्टिकली समझते हैं ओरिजिनल चार्ट में गाइस चार्ट में जाने से पहले आपको ये बता दू अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट में सिर्फ पीपीटी लिख दीजिए पी 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 आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है तो, है, है? तो, तो यहाँ पर मैं चार्ट पे आ गया हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो हमको कैंडल को चेंज करना है तो कैंडल चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक कैंडल्स नाम का ऑप्शन मिलेगा ट्रेडिंग व्यू पे इसको क्लिक करना है चार्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है हमारा पूरा चार्टन में कन्वर्ट हो गया है अभी हमको तीन इंडिकेटर्स लगाने हैं तीन ई एम एस लगाने हैं तो वो हम फ्री में कैसे लगाए तो उसके लिए बहुत इजी सोल्यूशन सबको इंडिकेटर्स में आना है एंड आपको सर्च करना है थ्री एंड थ्री सर्च करने के बाद ये जो आपको इंडिकेटर रहा है थ्री ए इन वन इंडिकेटर ये आप नाम देख लीजिए इसको यहाँ से आपको क्लिक कर देना है एंड हमारा यहाँ पर तीन ई एम ए तो एड हो गया है लेकिन इसमें सेटिंग्स चेंज करने पड़ेंगे तो यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे एंड सबसे पहला ई एम ए को हम कर देंगे टेन दूसरा ट्वेंटी एंड तीसरा थर्टी कर देंगे सोर्स रहेगा हमारा क्लोज एंड स्टाइल में आप अपने हिसाब से कुछ भी कलर तीनों ई का रख सकते हैं तो मैं यहाँ टेन ई को कर दूंगा रेड ट्वेंटी को कर दूंगा ब्लू एंड थर्टी को कर दूंगा ब्लैक एंड यहाँ पर हमारा सेटिंग कम्प्लीट हो गया है यहाँ पर हम ओके कर देंगे यहाँ पर सबसे रिसेंट आप एग्जाम्पल को देखिए तो अपसाइड के एंट्री का पहला कंडीशन होता है की टेन ई एम ट्वेंटी के ऊपर रहना चाहिए एंड ट्वेंटी थर्टी के ऊपर रहना चाहिए तो यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन तो डेफिनेटली मैच हो रहा है दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि ई के पास ही एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया एंड रिट्लेसमेंट आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं रिट्रेसमेंट लेने के बाद आप यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पे एक ग्रीन बुलिश कैंडल बना लेकिन इसका प्रीवियस कैंडल रेड था तो प्रीवियस कैंडल रेड होने के कारण ये कंडीशन हमारा कैंसिल हो रहा है सेकेंडली इसका यहाँ पर ई एम का आप स्लोप भी देख सकते हैं फ्लैट टाइप ऑफ स्लोप है तो यहाँ पर वो कंडीशन भी फेल हो रहा है तो यहाँ पर एंट्री नहीं बना लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल बना इसका प्रीवियस कैंडल ग्रीन है इसने टेन ई को भी नीचे से क्रॉस किया है

ट्रेड बन जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं है इस तो और इससे अच्छा एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया है तो स्ट्रेटेजी शॉर्ट एंट्री कैसे लिया जाता है बिल्कुल ऑपोजिट होता है टेन एम ए के ऊपर ट्वेंटी होना चाहिए एंड ट्वेंटी एम ए के ऊपर होना चाहिए थर्टी एम बिल्कुल उल्टा ठीक है एंड ये एरोज आपको अभी यहाँ पर चार्ट में देखने को मिल रहे होंगे तो ये क्या है तो आप यहाँ पर सकते हैं ऑलरेडी एक, एक इंडिकेटर लगा के रखा है जिसका नाम है वो देखने में आसानी होती है एंड गाइज आप प्रीवियसली भी देख सकते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने दिखाया उसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी इंडिकेटर ने ऑटोमेटिकली ट्राइंगल प्लॉट कर दिया है चार्ट में एक्सैक्टली क्यूँकी यहाँ पर हमारे स्ट्रेटेजी के कंडीशन मैच हो गए थे तो इस हिसाब से ये चार्ट में ऑटोमेटिकली हो जाता है ये इंडिकेटर का स्ट्रेटजी को किसी भी चार्ट में तो अगर आप में से इंडिकेटर को यूज करना चाहते तो कर हैं जैसा की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो वहाँ से उस कोड को कॉपी करके यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में जो पाइन एडिटर नाम का ये है, इसको ओपन करके यहाँ पर सिर्फ कोड को पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट करने के बाद ही यहाँ पर अगर एड टू चार्ट क्लिक करे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर हमारा चार्ट में एड हो गया है कोड का कॉपी पेस्टिंग प्रोसेस के बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो मेंबरशिप के अंदर ही अपलोड करके रखा है तो उसको भी आप जाके देख सकते हो एंड गाइस मेंबरशिप के अंदर सिर्फ आपको ये इंडिकेटर नहीं इसके अलावा आप काफी फेमस अलावाजी के कोड भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जैसे की नाइन एंड फिफ्टीएम स्ट्रैटेजी टेन ई एम एस स्ट्रेटी ऐसे स्ट्रैटेजी के कोड आपको वहाँ पर मिल जाएंगे साथ ही साथ बहुत सारे यूजफुल टूल्स भी मिलेंगे जैसे की टेन ई एम ए इन वन इंडिकेटर एक इंडिकेटर को आप एड करके आपको टेन ई एम एस देखने को मिल जाएंगे वो भी ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में आप एक्सेस कर सकते हैं रिसेंटली मैंने और इंडिकेटर एड किया है जो की है एडवांस वॉल्यूम ये मेरे हिसाब से नॉर्मल वॉल्यूम से बहुत अच्छा है क्योंकि वॉल्यूम में जो नॉइस होता है कुछ समझ में नहीं आता यहां पर वो रिमूव हो जाता है जो ग्रीन बिग बार होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम को इंडिकेट करता है एंड जो छोटे छोटे रेड बार्स होते हैं वो वीक को इंडिकेट करता है इसको हम फिबोनाची वॉल्यूम भी बोलते हैं तो ऐसे एडवांस इंडिकेटर्स के फुल कोड्स आपको मेंबरशिप के अंदर देखने को मिल जाएगा कोड्स के अलावा आपको मास्टर क्लासेस भी देखने को मिलता है जैसे की स्टॉप लॉस टेलिंग मास्टर क्लास फिबोनाची मास्टर क्लास मार्केट फेजेस का

हमेशा आपको खुद से देखना पड़ेगा उसके बाद देखिए क्या हो रहा है ये एक पेरिश कैंडल जिसका कोई हाई नहीं है सिर्फ नीचे वीक है ऐसा एक कैंडल को ब्रेक करते हुए फॉर्म हो रहा है है एंड उसका प्रीवियस कैंडल भी आप देख सकते हैं रेड है। ये में का स्लो बहुत डाउन साइड में है तो सब यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है आराम से मैच हो रहा है तो करीब करीब यहाँ पे अगर शॉर्ट एंट्री बंद थी स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग का हम दे देंगे एंड वन इज टू टू का टारगेट आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर अचीव हो गया था देखिए मैंने प्रीवियसली बोला था और एक एग्जिट

एंट्री पे भी ये स्ट्रेटेजी सेम एक बेरिश कैंडल जब भी एंट्री के बाद बनेगा तब ये एग्जिट क्राइटेरिया भी ट्रिगर होता है बहुत लोग इसको यूज करते हैं बहुत लोग नहीं करते उसके लिए अच्छे से बैक टेस्टिंग करना जरूरी है कि कौन सा अच्छे से वर्क करता है अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट कहाँ स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना है तो अवॉइड करने का बहुत ईजी तरीका है ये तीनों जो है ये जब भी ऐसे टैंक गल्ड हो जाए ठीक है तब ये साइड वेज मार्केट का इंडिकेशन देता है तो साइड वेज में इसको बिल्कुल अवॉइड करना है तो ये लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पर कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया था तो उस फॉल को आप देख सकते हैं तो इस है तो है चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे बेहतरीन लर्निंग में देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं तीनों कंडीशन मैच है साथ ही साथ एक रेड बेरिश कैंडल वहाँ पर फॉर्म हुआ टेन ईएमओ को क्रॉस करते हुए उसका प्रीवियस भी रेड था का स्लोप भी डाउन था तो यहाँ पर हमारा सब कंडीशन मैच हो रहा है एंड वाइज एन पर एंट्री एग्जीक्यूट हो जाता है अभी एंड का नाम तो सुना ही होगा तो उसका एक मॉडिफाइड वर्जन मैंने चैनल पे बना के रखा है जो बहुत लोगों को पसंद आया है तो जिस मॉडिफिकेशन से वो स्ट्रेटेजी काफी गुना बेहतर बन गया है तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो मिडिल में जो वीडियो आ रहा है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग